और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओल्ड क्रेटा की मॉडिफिकेशन। ये एक मेरे दोस्त की क्रेटा है जिसको हमने तैयार किया है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया फेसबुक पेज से और इसलिए हमने क्रेटा तैयार की है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग। अब हम 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे आप लोगों से। बहुत कॉल्स आ रही है मेरे को, बहुत सारी चीज़ों के ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं और काफ़ी सारे ऑर्डर पेंडिंग है। पैन इंडिया से ऑर्डर आ रहे हैं गाइस, बहुत सारा सामान भेज चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स, मतलब कितना मैं आपको थैंक्स कहूँ उतना कम है। बहुत अच्छे आप लोग व्यूज़ दे रहे हैं, आप लोग डिस्कशंस में कमेंट्स के अंदर डिस्कशन करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है गाइस। चलिए आज के लिए हम आपको दिखाते हैं, हमने तैयार की है एक फ्रेंड की क्रेटा जो मेरा क्लासमेट है, आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे उससे भी। हमने लगाए हैं एवेटार और इन्फिनिटी कॉम्पोनेंट। क्यों ऐसे किया हमने उसका कारण भी आपको बताएंगे और साथ में वाइब्रो फिल्टर की डैम्पिंग। इस गाड़ी के अंदर दो पेयर कॉम्पोनेंट, एक वूफर और दो एम्पलीफायर लगे हैं। अब वो उसकी कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आपको सब गाइस प्लेसमेंट यहाँ की गई है, आप देख सकते हैं एक पीवीसी का बोर्ड लगा के, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये पीवीसी का बोर्ड है और प्लेसमेंट यहाँ गई, दोनों एम्प यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से आ गए। तो बूट में कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बेस ट्यूब दिखाई देगी और बेस ट्यूब का कनेक्शन मैं आपको दिखाई चुका हूँ, बाकी मैं आपको बेस ट्यूब लगाने के बाद भी दिखाता हूँ एक व्यू। तो गाइस ये मेल फीमेल कनेक्टर हमने लगाया है, एक आप देख पा रहे हैं ये वूफर की एंड से आ रहा है और एक हमने एम्प की एंड से लगाया ताकि कभी भी आप इसको उतार और लगा सकें। बहुत सिंपल सोल्यूशन है ये बस। तो गाइस बेस ट्यूब यहाँ रखी हुई है, फिलहाल हमने एम्प ऊपर रखा हुआ है क्योंकि इसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं अभी हम, अदरवाइज एम्प वापस वहीं जगह जगह आपको पहले दिखाया गया था। कैसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और क्या क्या चीजें उनके पास अवेलेबल थी जिससे हमने गाड़ी तैयार। तो गाइस मैं आपको मिलाता हूँ मेरे फ्रेंड संदीप से। हेलो संदीप, संदीप मुझे कैसे कांटेक्ट किया? जैसा कि हम दोनों 11 से साथ हैं, 11-12 साथ किया, 11-12 साथ किया हमने और मेरा कांटेक्ट दिन खत्म हो गया था गुरप्रीत से। सो एक दिन मैंने फेसबुक पे देखा, वीडियोस देखी, मैं जस्ट कुछ सर्च कर रहा था यूट्यूब पे तो इनका चैनल एकदम सामने आया। मैंने कहा ये तो मेरा दोस्त गुरप्रीत है, तो मैंने गुरप्रीत को कांटेक्ट किया। उस टाइम फ़ोन नंबर था, उससे मैंने फ़ोन किया, मैं संदीप बोल रहा हूँ, तो मेरे पास दो एम्पलीफायर पड़े हैं, एक पुरानी गाड़ी। मैंने पहचाना नहीं, पहले मैंने सोचा वो संदीप मेरे एक मेरी जो कॉलेज में भी था, मैंने शायद वो फ़ोन कर रहा है। पर हमारी बात करीबन 2005 हमारी 15 साल बाद बात हुई है, 15 इनफैक्ट 15.5-16 साल बाद। तो मैंने कहा कि मेरे पास दो एम्पलीफायर पड़े हैं, एक वूफर पड़ा है और मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स, हम कैसे कर सकते हैं मेरी गाड़ी में, मेरे को फिट करने हैं। कंपनी का हेड यूनिट और कंपनी के ही चार स्पीकर थे, आवाज़ ठीक ठीक थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो सबवूफर तो लगाना ही था। तो जब इनसे मैं मिला, इनके पास दो एम्पलीफायर थे और एक एम्पलीफायर 4 चैनल है, एक एम्पलीफायर मोनो है, तो हमने क्या प्लान किया, मोनो एम्पलीफायर से हम चलाएंगे सबवूफर
और जो फोर चैनल एम्पलीफायर है उससे हम इनके चारों डोर में स्पीकर लगा रहे हैं। फॉर्चुनेटली संदीप के पास ऑलरेडी इन्फिनिटी रेफरेंस के कॉम्पोनेंट थे, तो मैंने क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी हमें और मिले नहीं तो हमने एवेटार के कॉम्पोनेंट इंस्टॉल किए। तो पीछे वाले दरवाजों में चल रहे हैं एवेटार, आगे वाले दरवाजों में चल रहे हैं इन्फिनिटी रेफरेंस। और जो डैम्पिंग है वो फोर डोर्स के अंदर डैम्पिंग हुई है, डिग्गी में डैम्पिंग नहीं हुई है। तो डैम्पिंग जो हुई है वो टू शीट्स पर डोर की डैम्पिंग हुई है। तो गाइस सेटअप बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया बना है और आवाज़ बहुत अच्छी है। संदीप आवाज़ के बारे में आप ही बताएं। आवाज़ बहुत अच्छी है, इनफैक्ट मतलब मैं 12-13 से ऊपर सुन नहीं सकता, मैक्सिमम आवाज़ 45 की है। सो मोर देन 12 इज इनफ, मोर देन इनफ। सो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद गुरप्रीत, थैंक यू सो मच गुरप्रीत फॉर हेल्प। सो बहुत अच्छा सेटअप हुआ है, वायरिंग बहुत अच्छी हुई है, कहीं भी हमने वायरिंग कोई नहीं काटी है। तो इन्होंने श्रिंक्स लगाकर अच्छी तरह कनेक्टर्स लगाकर इसे कनेक्ट किया है, तो उसके बारे में गुरप्रीत जी बताएंगे आप। हमने दो वायरिंग किट यूज़ की है क्योंकि दो एम्पलीफायर थे, तो दो वायरिंग किट यूज़ हुई है इसमें, वीटेक की अच्छी वायरिंग किट। आप मेरी वायरिंग किट की वीडियो एक देख सकते हैं, वो वायरिंग किट हमने स्टार्ट कर दी थी।